नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद क्वेश्चन है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड वन टाइम के लिए बताइए और बेस्ट म्यूचुअल फंड SIP के लिए भी बताइए, और वैसा वाला ही पेंशन के लिए SWP के लिए भी बता दीजिए। तो पहले देखते हैं वन टाइम के लिए। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जिसके पास 10 साल, 15 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम है उन्हीं को आना है। नहीं टाइम है तो काला वाला बक्सा में पैसा रखिए घर में, कैश में, और ज़िंदगी जैसे जी रहे हैं वैसे जीना है। यहाँ 10, 15, 20 साल टाइम है तभी इक्विटी म्यूचुअल फंड में घुसना है। अब यहाँ पे दो तरह के लोग होंगे। एक जो बोलते हैं मैं रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं इधर उधर बिखेरे हुए कि थोड़ा सा पैसा म्यूचुअल फंड में झोंक सकते हैं, और दूसरा व्यक्ति बोलते हैं कि रिस्क हम थोड़ा सा कम ले सकते हैं, चाहे कम वाला हो चाहे ज़्यादा वाला हो, रिस्क दोनों जगह है। तो जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं उनको मैं बोलता हूँ वन टाइम के लिए पहला 5 स्मॉल कैप में लगा देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपका पैसा आपसे लेंगे फंड मैनेजर, और फंड मैनेजर 250 के बाद जितना कंपनी है 5200 तक पूरे मार्केट में लिस्टेड, 250 तक तो लार्ज कैप मिड कैप हो गया, इसके बाद जितना छोटा छोटा कंपनी है हीरे और सोने को ढूंढेंगे फंड मैनेजर और उसमें पैसा लगा देंगे। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको लाइव उदाहरण दिखा रहा हूँ। स्मॉल कैप कैटेगरी में लास्ट 10 ईयर्स में 25 लाख रुपया इधर उधर बिखेर के नहीं, इधर से लिया और यहाँ पे झोंक दिया। पांच फंड का नाम लेते हैं, SBI, निपोन, DSP, फ्रैंकलिन और कोटक स्मॉल कैप, जिसका AUM देखेंगे 14,000 करोड़, 22,000 करोड़, 9,000 करोड़, 7,000 करोड़। 2012 में 25 लाख रुपये लगाया था, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद उस पैसे का वैल्यू है 2,39,00,000, 25% का ब्याज सालाना, चक्रवृद्धि, साधारण नहीं, चक्रवृद्धि मिलता है म्यूचुअल फंड में। दूसरे फंड ने 25 का 2,17 बनाया है, तीसरे फंड ने 1,65 और पांचवें फंड ने बनाया है आपको 1,48,00,000। यदि एवरेज का बात करें कि सब में पैसा लगा दिया तो एवरेज के रूप में बनाया है 1,45,00,000 रुपया। सबसे खराब वाला भी 25 लाख का 10 साल में 1,01,00,000 बनाया है 15% के ब्याज से। जो चार्ज चूर्ज कटना है वो बॉम्बे में फंड मैनेजर काट लिया, जो हमको देना है TV मीडिया एडवर्टाइज जो करना है सब कुछ करके आपको ये दिया है। तो ये हो गया आपको 5 स्मॉल कैप जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अब बात करते हैं उनका कि भाई हम रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए बोलता हूँ जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप, 1 लार्ज कैप। यहां देखना यह है कि जिसका AUM ज्यादा है उसी में पैसा लगाना है, परसेंटेज वाइज नहीं, AUM वाइज जाना है। फिर आप कहेंगे, क्वेश्चन बेहतरीन वाला आता है इन्वेस्टर में, कमेंट सेक्शन में मैं बहुत सुना हूं कि जिसके पास ज्यादा AUM है उसमें पैसा लगा दिया तो फंड मैनेजर तो खलबला रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कहां पैसा लगाऊं ना लगाऊं। तो एक चीज बताइए, पहले दो ग्राफ मैंने यहां दिया है। जब सेंसेक्स 100 से शुरू हुआ था, जब 1,000 पे हुआ हाहाकार मचा होगा, अरे मार्केट तो लाइफ टाइम हाई हो गया, अब कैसे पैसा लगाएं। फिर थोड़ा दिन के बाद 2,000 हुआ, 5,000 हुआ, 10,000 पे फिर से लाउड स्पीकर लगा के हाहाकार मचा, अब तो मार्केट लाइफ टाइम हाई हो गया, अब इससे पता नहीं कहाँ जाएगा। गया 40,000 भी हुआ, 50,000 भी हुआ, और यहाँ आज 60,000 पे बैठे हुए हैं। 5 साल के बाद 1,00,000 और 10 साल के बाद 2,00,000 देखेंगे। अगर हम लोग जिंदा रहे, मोगेम्बो से बचे हुए रहे हैं तो 2,00,000 भी सेंसेक्स देखेंगे, 5,00,000 भी देखेंगे। तो ये तो बढ़ता गया। अब AUM का बात करते हैं कि जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री शुरू हुआ होगा 50,000 करोड़ पे आया पूरा AUM, फंड मैनेजर के पास पैसा ही पैसा हो गया। फिर 3-4 साल के बाद 1,00,000 करोड़ हो गया, पैसा ही पैसा हो गया, कहाँ लगाया कैसे करे ये सिरदर्दी साधारण लोग समझ रहे हैं, फंड मैनेजर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। फिर 10,00,000 करोड़ हो गया और आज 38,00,000 करोड़ है, तो फंड मैनेजर क्या होगा, छटपटा रहे होंगे कहाँ पैसा लगाएं ना लगाएं। अगर तो ऐसा है, अगर तो मान लेते हैं ऐसा है कि ज़्यादा पैसा है तो लगाने में दिक्कत होता है, तो ये बताइए SBI स्मॉल के पास 14,000 करोड़ है और सबसे ज़्यादा पैसा हमेशा रहता था, निपोन के पास 22,000 करोड़ है हमेशा ज़्यादा रहता था, अगर तो इसको दिक्कत होता था, अगर तो दिक्कत होता था तो 24% 25% का रिटर्न कैसे दिया। और जिसके पास कम पैसा है, देखते हैं क्वांट स्मॉल कैप 15% का रिटर्न दिए हैं। अब इसमें देखते हैं कि AUM कितना है, इसके पास कितना AUM 2,200 करोड़,
पहले वाले को कितना था? 12,000 करोड़, 15,000 करोड़। तो आपके हिसाब से कम पैसा है तो ज़्यादा रिटर्न देना चाहिए, पर कहाँ दिया, कौन क्या करेगा पता नहीं है किसी को। बेहतर है कि जिसके पास ज़्यादा एयूएम है तो पुराने फंड मैनेजर होंगे, एक्सपर्ट फंड मैनेजर होंगे, उनका पे आउट खूब अच्छा होता होगा, एक टीम होगा, एक अकेला आदमी नहीं होगा। तो ज़्यादा एयूएम जिसमें है वहाँ लगाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे तो बता ही दिया ज़्यादा रिस्क और कम रिस्क वाला। फिर आते हैं कि टॉप म्यूचुअल फंड फॉर एस आई पी में करना है तो 20,000 पर मंथ का SIP मैं मानता हूँ, और एवरेज 15 साल तक किया। तो पहले तो राय रिकॉर्ड देख लेते हैं कि SIP के सेक्शन में गए और यहाँ पे इक्विटी स्मॉल कैप लिया, वही बात फिर से, जो रिस्क ले सकते हैं 5 स्मॉल कैप लेंगे, और जो थोड़ा थोड़ा रिस्क कम ले सकते हैं जिनके पास पैसा कम है, एक तो जिनके पास भरपूर पैसा है लगा दीजिए स्मॉल कैप में, देखिए मत 10-15 साल तक, और कम पैसा है तो 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप, 1 लार्ज कैप। तो 5 स्मॉल कैप का बात करते हैं, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड, 20,000 रुपये पर मंथ किया, ठीक है। फंड का नाम है, AUM वाइज देख लेते हैं, DSP स्मॉल कैप, कोटक, फ्रैंकलिन, ICICI प्रूडेंशियल, HSBC। यहाँ पे SBI का नाम नहीं है, क्यों? 15 साल पुराना नहीं था वो फंड। तो 20,000 रुपये पर मंथ 2012 से लेके 2022 तक वैल्यू बना है 1,51,00,000, 20% का रिटर्न। और पांचवा फंड का बात करें तो 1,34,00,000, 1,07,00,000। एवरेज का बात करें तो 1,41,00,000 रुपये बनाया है 16% के रेट से। एवरेज का बात करें 20,000 रुपये पर मंथ 16% के एवरेज के रिटर्न से 36 लाख जमा हुआ है, 1,41,00,000 रुपया है। 36 लाख कैसे हो गया जमा? तो 20,000 रुपया पर मंथ, 15 साल गुना 12 महीना, तो 36 पे 5 जीरो कैसे हुआ? तो 12, 15, 80, 180, यहाँ 1 जीरो है, और 20,000 में 4 जीरो होता है, तो 4, 1, 5, 18 दुनी 36 पे 5 जीरो, 36 लाख, लाख पे 5 जीरो होता है। राजू भैया ये सब क्यों किया? ये तो साधारण सा चीज़ था। ये सब इसलिए किया कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब मैं कर सकता हूँ, इसलिए बताया। अब ये सब बात उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जो गाना बजाना, रील, फेसबुक, यूट्यूब, फेसबुक ऐसे करते रहते हैं। वो लोग गाना गाएंगे, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, आके दांत बिचकाया ओ राम जी, ये सब बात समझ में नहीं आएगा। भागिए, दूसरा चैनल पे विजिट कीजिए। यहाँ आपको गरीब से अमीर बनना है धीरे धीरे करके, 15-20 साल में, 10 साल में भी हो जाता है, तो ही लोग देखना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कोई चीज़। ये 35-36 हज़ार जो सब्सक्राइबर है ना, वो समझ के टिके हुए हैं। तो यहाँ फिर से बात वही है कि रिस्क ज़्यादा लेते हैं, और रिस्क कम कम लेना है तो 5 स्मॉल कैप, नहीं तो 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप, 1 लार्ज कैप, AUM वाइज। फिर लास्ट का क्वेश्चन है कि बेस्ट SWP पेंशन के लिए फंड। तो यहाँ पे 4 फंड मैं बताता हूँ। SBI बैलेंस, बैलेंस फंड का नाम जो है ना थोड़ा बदल गया, पहले बैलेंस फंड हुआ करता था नाम, इसका नाम इक्विटी हाइब्रिड आप कहीं पे देखेंगे, या इक्विटी और डेट दिखेंगे, 3 तरह का नाम होगा, इक्विटी डेट बैलेंस इक्विटी हाइब्रिड, इस तरह से। जहाँ कहीं घुसेंगे अंदर तो पता चलेगा 65% इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं और 35% डेट फंड में लगाते हैं, डिबेंचर में लगाते हैं। मैं जब पेंशन का बात करता हूँ तो बोलता हूँ बैंक वाला म्यूचुअल फंड पकड़ना है, जो बैंक भी चलाते हैं म्यूचुअल फंड भी चलाते हैं। SBI बैलेंस फंड, SBI बैंक भी है म्यूचुअल फंड भी है, HDFC बैंक भी है म्यूचुअल फंड भी है, ICICI का बैलेंस फंड, एक्सिस का बैलेंस फंड, इन चारों में 25-25 लाख रुपया करके 4 फंड में 1 करोड़ रुपया लगा दिया। रिकॉर्ड देखते हैं, यहाँ पे 25-25 हज़ार रुपये पर मंथ लगाया, पिछले 10 साल में 1 करोड़ रुपया लगाया पहला, जैसे ही लगाया, और अगले ही महीने से 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दिया। और ये चूंकि आज बता रहे, बहुत से लोग बोलते हैं आगे का बताइए, फ्यूचर का बताइए, फ्यूचर का जो है दो ही लोगों को बताए भाई, एक तो मोगेम्बो को और एक उसको ऊपर जो भगवान बैठे हुए ना ऊपर, उन्हीं को बताए, बाकी किसी को नहीं पता है। बाकी जो लोग हैं ना वो पीछे का देख के ही बताएंगे कि क्या हुआ है क्या होगा, मोगेम्बो और भगवान दो ही लोग जानते हैं। तो पिछले 10 साल में देखते हैं, पहला फंड का नाम लेते हैं, मैं क्वांट का बात नहीं करता हूँ, मैं ICICI प्रूडेंशियल, HDFC, SBI ये सब का बात करता हूँ। तो SBI और ICICI, HDFC 3 को लेते हैं यहाँ पे, चौथा मैंने एक्सिस बताया था, एक्सिस का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि वो 10 साल पुराना नहीं है।
1 करोड़ रुपया लगाया और 60,000 रुपये पर मंथ लिया। कब से लिया? 2012 से, जनवरी 2012 से लेके 2022 तक, अब तक लिया 120 महीना लिया, तो टोटल पैसा ले लिया 72 लाख रुपया। 1 करोड़ रखा, 60,000 रुपया पर मंथ करके लिए 50 साल की एज के बाद, चेयर पे बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, फल खा रहे हैं, धूप सेक रहे हैं और 60,000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं। कोई दुकान पुकान फौज ये वो फ्लैट फ्लॉट कुछ नहीं किया, लगाया SBI में और 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। ऐसा लेते गया लेते गया लेते गया और पैसा बढ़ के भी 2 करोड़ 93 लाख हो गया। मतलब जो 1 करोड़ रखा था वहाँ से धीरे धीरे छोटा सा नल खोल दिए, ऐसे करके पानी पीने लगे 1 करोड़ से। अब बाद में देखे कि टैंकी का पानी बढ़ भी गया। कैसे बढ़ गया भाई? क्योंकि 16% का रेट दे रहे हैं। खा कितना रहे हैं? 60,000 रुपया, तो बरछक 72, 7.2 खा रहे हैं और दे तो 16 रहा है, तो 8-9% बढ़ता चला गया, बढ़ता चला। मतलब एक टैंकी है जिसमें पानी ज़्यादा आ रहा है, एक छोटा सा नल लगा दिए हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि पानी फ्लो ज़्यादा हो रहा है और पी कम रहे हैं। तो बाद में चला कि टैंकी का पानी तो ओवरफ्लो हो गया। कैसे ओवरफ्लो हो गया? देखिए ना, लगाए थे 1 करोड़, ओवरफ्लो हो गया 2 करोड़ 93 लाख हो गया 16% के रेट से। सबसे खराब वाला फंड 72 लाख रुपया तो खा लिए, 1 करोड़ 26 लाख रुपया बना के दिया है। फंड का नाम है LIC इक्विटी हाइब्रिड। मैं हमेशा मना करता हूँ कि छोटे फंड साइज में नहीं जाना है, बड़े फंड साइज में जाना है। देखेंगे LIC का AUM कितना है, जो सबसे खराब है, मतलब बॉटम में है, इसका देखते हैं AUM कितना है। ये है इसका AUM 423 करोड़ रुपया। बिल्कुल नहीं जाना है, 2000 3000 4000 करोड़ पैसा है उसी में जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। अब आगे बढ़ते हैं, जब आप यहाँ से म्यूचुअल फंड शुरू करेंगे ना, तो 5 साल साल के बाद देखेंगे कि आपका पैसा जितना लगाया तो कम हो गया मूलधन से। टेलीविजन पे, न्यूज पे, मोबाइल के रिंगटोन में भयंकर भयंकर चीज चल रहा है, फूड क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, लोग बहुत से ऊपर जा रहे हैं भाई, धाएं 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 ऊपर जा रहे हैं, और ये सब तो एलियन है, कोई एलियन आया है वो जो कर रहा है, जबकि एलियन वेलियन कुछ नहीं होगा। हम लोग जो लाइन लगा के किए हैं ना ये सब, उसके कारण से धीरे 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 करके मोगेम्बो एच पर प्लान, टीवी मीडिया सब स्क्रिप्ट। आप 5 साल 10 साल के बाद सोचेंगे ये राजू भैया तो ठीक बोले थे, ये तो टीवी का सारा स्क्रिप्ट है। फूड क्राइसिस से मार्केट डाउन, क्लाइमेट चेंज से मार्केट डाउन, एलियन आया था ऐसे करके उठा के ले चल गया, ऐसे करके स्क्रिप्ट देखेंगे। तो इन्वेस्टर ना मुझे फ़ोन करेंगे, राजू भैया पैसा तो गिर गया, और गाना भी गाएंगे, अब का करी हो रब्बा अब का करी, मेला में सैया बुलाई हमार अब का करी, इन्वेस्टर ऐसे गाना गाएंगे। और मैं जो गाना गाता हूँ ना, उदित नारायण साहब का बेहतरीन गाना, अरे मर गया फोकट में, कोई तो हमको लियो बचाए, जब ऐसा बोलते हैं ना तो मोगेम्बो बोलता है रुक जाओ, ठहर जाओ, कुछ मत करो, बेचो नहीं, यहाँ पे है ना, हम तो प्लान करके किए हैं, रुक जाओ, घबराओ मत, फिर से लाइफ टाइम हाई होगा, चिंता मत करो। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको SIP म्यूचुअल फंड लमसम ताम झाम कुछ भी करना है म्यूचुअल फंड में, तो ऐप को डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। आपको कुछ नहीं समझ में आता है, लगता है कि भाग जाएगा, डूब जाएगा, ऑनलाइन है, फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा से बचने के लिए 100 रुपया जमा कीजिए, साल भर इंतजार कीजिए, जब सब कुछ पता चल जाएगा ठोक बजा के कि भाई कोई भागने भी नहीं रहा है, कोई डूब भी नहीं रहा है, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड में सुने थे वैसे करके 12-13% मिल भी रहा है, तब ज़्यादा पैसा डालिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।